कर रहे हैं चैप्टर 5 डे 3 सेम डे पे नेक्स्ट लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं फोर्थ लेसन का। इसके पहले वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा बट रिकॉर्ड हो चुका है। ऑन द सेम डे वी आर डूइंग चैप्टर 5 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन विशाल क्लासेस विक्ट्री बैच 2K23। ओके बहुत ज्यादा इजी है ये चैप्टर। अभी तक मैंने जितना इंपॉर्टेंस दिया है उसके हिसाब से जो सेकंड वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स थोड़े बड़े हैं और वो चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है। बाकी इसके पहले का जो इलेक्ट्रिक चैप्टर था वो भी बहुत ईजी था राइट। और थर्ड वाला चैप्टर सिर्फ केमिकल रिएक्शंस और एग्जांपल्स के साथ है तो बहुत ईजी है। आप फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन बार बार आपने किया होगा तो आपको लर्न हो गया होगा। तो नाउ वी आर डूइंग हीट, छोटा सा चैप्टर है और बड़ा ईजी है। तो इस चैप्टर में से ज्यादा नहीं सिर्फ 7 क्वेश्चन 7 टॉपिक्स अच्छे से लर्न करो आपका क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ क्या बोला है? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या, इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अ यूनिट ऑफ मास ऑफ सॉलिड। मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को आप गर्म करोगे उसको हीट दोगे तो वो किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मतलब एनी सॉलिड सब्सटेंस You are giving heat, आप उसको गर्म कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है? लिक्विड फेज में आता है। सॉलिड से लिक्विड फेज में आने को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। पूरा डेफिनेशन सेम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन में फ्यूजन का एक पूरा डेफिनेशन है। बस इसमें क्या होता है, इसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है गैशियस फेज में। किसमें कन्वर्ट होता है? गैशियस। आपने पहले सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया हीट देके, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। एट द सेम टाइम उसी लिक्विड को अगर और ज्यादा हीट दिया जाए तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैशियस में। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल, ऊपर का तो सेम है, बस सॉलिड टू लिक्विड है और वेपराइजेशन में लिक्विड टू गैशियस सेम। ओके, फिर एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टिविटी के वजह से जो हीट जनरेट होता है उसको जूल से मेजर करते हैं। यहां पर भी हम जूल से मेजर कर सकते हैं, बस इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हीट को अगर मेजर करना है, टेम्परेचर के आसपास के एटमोस्फेयर के वजह से जो हीट जनरेट होता है उसको मेजर किया जाता है किसमें? कैलोरी में। किसमें मेजर किया जाता है? कैलोरी। ओके, देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द एनिमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% ये आपको बोर्ड में आने वाला है, 100% ये वाला आंसर आएगा ही आएगा। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मली फिजिक्स में जब भी हम लोग लिक्विड को गर्म करते हैं, यानी कि वाटर को गर्म करते हैं, तो वाटर गर्म होने पे व्हेन लिक्विड इज हीटेड अप इट एक्सपांड। वाटर को गर्म करने से वाटर क्या होता है? एक्सपांड, मतलब उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि वो जितना हीट लेगा, जितना आप उसको हीट दोगे, वो लिक्विड से कौन से स्टेट में जाता है? गैसियस स्टेट में जाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, इस वजह से वाटर को हीट देने पे वो क्या होता है? एक्सपांड होता है। और कूल, ठंडा करने पे वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। ये नॉर्मल फिजिक्स है, ठीक है, बट हाउएवर इट शोज स्पेशल एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर। वो एक स्पेशल बिहेवियर करता है अप टू 0 डिग्री से लेके, मतलब 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक वाटर क्या होने लगता है? सिकुड़ने लगता है। वाटर क्या होने लगता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो, नॉर्मली वाटर को हीट दोगे तो वाटर क्या होना चाहिए? एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री से 4 डिग्री तक वाटर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उसके बाद जब आप उसको वापस और गर्म करोगे 4 डिग्री के बाद और ज्यादा गर्म करोगे, देखो, एंड फर्दर वाटर अगेन स्टार्ट एक्सपांडिंग। मतलब 4 डिग्री के बाद और ज्यादा पानी को अगर आप गर्म करने जाओगे तो वापस वो नॉर्मल बिहेव करने लगेगा, जैसे गर्म करने पे वाटर क्या होता है? एक्सपांड होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 to 4 degree वाटर क्या होने लगता है? कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। एट 4 degree द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। मतलब 4 डिग्री में वाटर का जो वॉल्यूम है वो सबसे मिनिमम रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद वापस वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ओके, इसी बिहेवियर को, दिस बिहेवियर ऑफ वाटर इज नोन एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसी बिहेवियर को हम लोग एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय ह्यूमिडिटी? द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक इट मॉइस्ट। दिस मॉइस्चर इन एटमोस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एग्जाम्पल, आपने बारिश के मौसम में देखा होगा बिस्किट का पैकेट, अगर हम लोग खोल के बिस्किट रख दे डिश में या कहीं खाली जगह पर, खुली जगह पर बिस्किट चिप्स रख,
तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बिस्किट को अगर हम लोग खुले में रख दे, बिस्किट या किसी भी चिप्स या किसी भी चीज को जिसमें क्रिस्पीनेस होता है, उसको अगर आप बारिश के मौसम में ऐसे ही रख दोगे बाहर बहुत देर तक, तो वो उसका जो क्रिस्पीनेस रहता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, एकदम नरम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर का मॉइस्चर क्या कर, आसपास के एयर का मॉइस्चर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या, हवे में वाटर पार्टिकल्स, हवे में जो आसपास वाटर पार्टिकल्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। समझ में आया? ओके, फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम। आपको एक सर्टन एयर दिया गया है, ठीक है, एक सर्टन वॉल्यूम में हवा दिया गया है, उस हवे में एक्चुअल में कितना वाटर वेपर है उसको डिवाइड करना है मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन देयर इन दैट वॉल्यूम। कितना मास आपको चाहिए कि आपका एयर क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए। एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन एयर डिवाइड बाय कितना चाहिए कि एयर क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए, और उसको मल्टीप्लाई बाय, उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपको, 100। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या मिल जाएगा, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, लास्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, इसका मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज हीट एक्सचेंज। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, यस देखो दो ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट गर्म है एक ऑब्जेक्ट ठंडा है, ये गर्म वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपना हीट क्या करता रहेगा, ट्रांसफर करता रहेगा, तब तक जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। मतलब ये हीट क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये भी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, जब दोनों का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तब हीट का सप्लाई होना, हीट एक्सचेंज होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बट इट, तो ये समझ में आया आपको, एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज हीट एक्सचेंज। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसी को आप अच्छे से लिखो, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट। मैंने बताया हॉट ऑब्जेक्ट अपना हीट क्या करेगा, लॉस करेगा, छोड़ेगा, और हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। ये जितना हीट छोड़ेगा ये वाला ऑब्जेक्ट उतना ही हीट गेन करेगा। इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हीट एनर्जी। ओनली दिस मच यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड मेरी गारंटी है कि मैंने जो इंपॉर्टेंस दिया है 90-90% इस चैप्टर का, यही चीज आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, जो अभी लाइव लेक्चर सुन रहे हैं आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं रोज नया वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करके डालूं तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, क्लासेस का डिटेल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर ये नोट्स आपको बराबर नजर नहीं आ रहे हैं तो दो चीज आप कर सकते हो, एक वीडियो को 720p के रेजोल्यूशन में देखो, या फिर दूसरी चीज उसके बाद भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो इन ये सारे जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में थोड़े दिन में हमारे वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो, इसी तरीके के कॉन्टेंट बनाता रहूंगा। थैंक यू।